हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज वीडियो में सीखते हैं हाउ टू चेक गुनिया प्रॉब्लम। आपको पता होगा जो गुनिया होता है ऑलमोस्ट हर किसी की ज़रूरत होती है, सुपरवाइजर हो या फिर सिविल इंजीनियर, उसको पता होना चाहिए कि गुनिया हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं और गुनिया बनाते कैसे हैं, कैसे चेकआउट करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं इसमें तीन एग्जांपल लेकर आया हूँ आपको। मैं सबसे पहले हम देखेंगे अगर कोई आपके पास रूम है, कोई वॉल है या फिर कोई बाउंड्री, कोई सपोज कीजिए कोई बाउंड्री वॉल है या फिर आपकी, ठीक है, कोई भी वॉल हो सकती है आपका कमरे, जैसे रूम की वॉल ले लीजिए इसको, या फिर आपकी प्रॉपर्टी लाइन मान लीजिए, आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसको आपको बाउंड्री करनी है, या आपको बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्री के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल सीधी इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए वाली वॉल, इसको बोलते हैं हम गुनिया के अंदर। गुनिया जब ये वॉल इस वाली वॉल के अंदर परपेंडिकुलर, ये जब एक दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है तो वो 90 डिग्री के अंदर होती है, तो उसको बोला जाता है गुनिया। तो इस वाल को हम, ये जो वाली वाल है, एक चारों कोने हम गुनिया में कैसे बनाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, आपके जो ग्रिड प्लान है, आप लेआउट करते हैं तो लेआउट करते टाइम पे भी आपको जो ग्रिड प्लान है, ये सभी जो लाइनें होनी है होती है पैरेलल होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। जब ये पैरेलल होगी तभी आपका लेआउट, कॉल आपका लेआउट सही होगा, ठीक है, जब पैरेलल होगी। तो इसको पैरेलल को लाने के लिए आपको क्या करना होगा, गुनिया बनाना होगा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल आपका स्टार्टर, जब भी आप स्टार्टर कास्टिंग करते हैं, कॉलम का कोई स्टार्टर कास्टिंग करते हैं, अगर आपका स्टार्टर ही बिल्कुल सही है 90 डिग्री में, तो आपका कॉलम भी बिल्कुल सही जाएगा। आपकी कोई सीयर वाल हो, आरसीसी वाल हो, या फिर आपका कॉलम हो, या फिर आपका, ठीक है। तो अगर आपका स्टार्टर ही बदगुनिया है, बदगुनिया मतलब आपका गुनिया के अंदर नहीं है, तो आपकी जो कॉलम है कास्टिंग करेंगे तो कॉलम भी आपका बदगुनिया हो जाएगा। इसी तरह आपका जो डोर एंड विंडो फ्रेम है, अगर वो बदगुनिया है, अगर ये डोर है विंडो ये भी बदगुनिया है, इट्स मीन ये भी गुनिया में नहीं है, तो ये जो आपका टॉप है, ये आपका टॉप है, ये भी आपका लेवल में नहीं मिलेगा, ये भी आपका अप या फिर डाउन मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुपरवाइजर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिविल इंजीनियर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कोई आपकी, सपोज कोई रूम है, तो सबसे पहले अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आपको आपको इस कॉर्नर के अंदर खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि आपको इसको, ये वो कमरा है, इस कमरे के अंदर खड़ा कर दिया जाए, तो सबसे पहले आप इसमें क्या चीज़ देखेंगे, तो वे सबसे पहले इंटरव्यूअर भी हो सकता है या फिर आपसे कोई सीनियर पूछ सकता है, तो सबसे पहले इसमें आपको नज़र आएगा गुनिया। तो सबसे पहले इसमें कमरे के अंदर आता है गुनिया नज़र आता है, कि जो वाल देखेंगे, जो ये वाल है इस तरह से, ये वाल एंड ये वाल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या फिर ये तिरछी गई हुई है या इस तरह से गई हुई है, ठीक है, या फिर आपको इस तरह से गई है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नींव रखते हैं, नींव रखना है या फिर एग्जीक्यूशन करना है या खुदाई करना है या फिर लेआउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये लेआउट करने के लिए बताता हूँ, सबसे पहले आपको कोई लेआउट करना है, चूना डालना है, तो रस्सी आपको सबसे पहले ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है इसको आपको मेज़र कर लेना, सपोज़ कीजिए आपकी 10 फीट है और ये वाल भी आपके पास 10 फीट की है, ये आपकी लंबाई होगी, ये आपकी चौड़ाई, तो इस वाली वाल के आपको परपेंडिकुलर करना है। कैसे करेंगे सर, इसके दो ही मेथड है, सबसे पहला सिंपल मैं बताऊँगा, कोई भी आपको यहाँ पे इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट को आपको 3 मीटर, आपके पास मीटर 3 मीटर आता है, 3 मीटर या इसका जो रूल होता है, तो 3, 4 और 5, मैं दो रूल बताऊँगा इसमें, 3, 4, 5, 3, 4, 5 का मतलब कि आपके पास कोई भी यूनिट ले लीजिए, फिट में लीजिए, इंच में लीजिए या फिर आपको फिट या फिर गज, कुछ भी आप यूनिट ले लीजिए। तो सपोज़ कीजिए मैंने इसको लिया 3 फीट या फिर 3 मीटर, सपोज़ कीजिए 3 फीट ले लिया मैंने इसको, 3 फीट, और यहाँ पे मेज़र किया मैंने 4 फीट, 4 फीट किया, 4 फीट मैंने मेज़र करने के बाद ये लाइन आपने अभी खींचनी नहीं है, थोड़ा कर्व बना लीजिए इसमें, कहीं पर भी इंची टेप से यहाँ पर रखिए, इसको कर्व बनाते चले जाइए, ठीक है। फिर इस वाले जो पॉइंट पे आपने काटा था, इस पॉइंट से इस वाले कर्व को आपको 5 फीट पे काटना है, तो इस वाली वाल को सीधा मिला देंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, ये गुनिया के अंदर बन जाएगी। अब दूसरा स्टेप लीजिए, सपोज कीजिए आपने, ये तो चूना डालने के लिए हो गया, जैसे लाइन मार्किंग के लिए हो गया, या फिर आपने ये वाला सेकेंड पॉइंट ले लिया, ये वाली वाल है, ये आपने क्या किया, ब्रिक मेजरिंग आप करते गए, ये आपको ब्रिक मेजरिंग करना है, ब्रिक मेजरिंग करना है, तो ब्रिक मेजरिंग करने बाद ये आपके वॉल हो गया, इसमें आपने कहाँ बांधा, अंदर की तरफ धागा बांधा या फिर बाहर के फेस पे, बाहर के फेस के, इस तरह आपकी कोई ये वॉल हो गई, ये आपकी वॉल है, ये भी आपकी वॉल हो गई।
तो इस वाली वाल पे आपने क्या होगा, बाहर के फेस पर धागा बांधा, बाहर के फेस पर धागा बांधा। अब ये वाली वाल आपको इस वाली वाल पर सीधी करनी है, इस वाली वाल पर सीधी करनी है। तो इस पर एक धागा बांधेंगे, बिल्कुल सीधा धागा बांध लीजिए। धागा बांधने के बाद इस पर आपको 3 फीट या फिर 4 फीट का, 3 फीट सपोज कीजिए, 3 फीट, 3 फीट आपने इस पर मेजर किया। ये वाली आपकी वाल है, ये वाली वाल है। थोड़ा मैनुअली मतलब कच्चे से अच्छे से कोई अच्छे से मैनुअली रख दीजिए वाल को। इसको फिर धागा इस वाले फेस पे, बाहर वाले फेस पर ही आपको धागा मंगाना, बिकॉज आपने ये वाला बाहर वाला फेस लिया तो इसका भी बाहर वाला फेस लेंगे। बाहर वाले फेस पे धागा बांध देना है। जो कॉर्नर है, जो फिर धागा इस तरह से क्रॉस, ये वाला जो क्रॉस धागा क्रॉस हुआ, इधर से आपको 3 फीट पे काटना है, मार्क लगा दीजिए धागे पे। इस तरह से यहाँ पे भी आपको 4 फीट, 4 फीट पे धागे पे क्रॉस कर दीजिए। अब ये वाला जो धागा है, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट पर 5 फीट, 5 फीट को आपको तब तक मिलाना है जब तक ये आपका धागा है। और ये आपने क्या किया, इधर से 5 फीट, तो इधर से ऐसे 5 फीट या फिर 5 मीटर से ऐसे करते यहाँ पे रखा, तब तक ये जो कॉर्नर है ये अपने 0 पे रखना है, यहाँ पे 5 फीट। तब तक ये कॉर्नर है, ये वाला धागा इस वाले धागे पे जो ये वाला मार्क है, इस वाले लाइन का ये वाला जो मार्क है 4 फीट का, 5 फीट वाले मार्क पे अंदर नहीं आ जाता है तब तक ये आपको धागा मिलाना, सीधा मिलाना है। क्लियर? फर्स्ट स्टेप ये आपका क्या हुआ, गुनिया बनाना हो गया। सेकेंड स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको, जब आपने ये गुनिया बिछनाई कर दी, अब आप क्या कर लेंगे, सीधा 10 फीट ऐसे मेजर कर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बाहर के फेस से डायरेक्ट आप 10 फीट जो भी आपका रूम का साइज है, आप इस इन दोनों के फेस से आप मेजर कर लीजिए। क्लियर? इस तरह से आपको वॉल का गुनिया बनाना है, वॉल का गुनिया बनाना है, या फिर कोई कॉलम बना रहे हैं या फिर लेआउट कर रहे हैं तो इस तरह से आप गुनिया बना सकते हैं। और सेकंड पॉइंट, गुनिया चेक करने का एक दूसरा मेथड ये है, अगर आपके पास कोई वॉल है, ये वाला जो कॉर्नर है, इनका कॉर्नर का अंदर का पॉइंट जितना यहाँ पे आपका आएगा, इस कॉर्नर के इन अंदर कॉर्नर से, ये आप सपोज कीजिए 5, सपोज कीजिए 50 फीट, सपोज कीजिए इस वाले कॉर्नर से ये वाला जो कॉर्नर है 10 10, तो आपका सपोज कीजिए 15 फीट, ये वाला कॉर्नर है 15 फीट का आ गया है। तो जो ये वाला कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, ये भी आपका 15 फीट से आना चाहिए, या फिर इनर से इनर लीजिए या फिर आउटर से आउटर। अगर आप आउटर आउटर ने आपने गुना किया तो आप आउटर पर ही चेक करेंगे, आउटर पर ही चेक करेंगे, अंदर पे ना करेंगे, बिकॉज अंदर अल्टीनेट फेस होता है, छोटा बड़ा ईंट होती है। तो जहाँ पे आपने फेस पे गुनिया बनाया, बाहर के फेस पे ले रहे हैं, तो बाहर के फेस से आप इसको जितनी दूरी यहाँ पे आएगी, इतनी दूरी बाहर के फेस से ऐसे लेते हैं। आपका इसमें आपको कोई गुनिया बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट ऑटोमेटिकली आपको गुने में बन जाएगा। सेकेंड, ठीक है, थर्ड सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि आपको जो ग्रिड लाइन होती है, ग्रिड लाइन आपकी होगी प्रॉपर्टी लाइन, ग्रिड लाइन, इस पे आपको कॉलम का लेआउट मार्किंग करना है, कॉलम का लेआउट मार्किंग करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो वाली ग्रिड लाइन है, इसको आपको पीसीसी के ऊपर, आपको पीसीसी के ऊपर मार्क करना है। पहले ग्रिड लाइन को मार्क करेंगे, तभी आपको ये वाला कॉलम मार्क कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला कॉर्नर एंड ये वाला कॉर्नर, इस वाले की जो डिस्टेंस है, ये आपको पहले कोई भी ले लीजिए। सपोज कीजिए आपने ये वाली लाइन मार्किंग आपने कर दी, ये अपनी लाइन मार्किंग कर ली, इसकी जो डिस्टेंस आई आपके साइड पे, सपोज कीजिए 40 फीट आ गई, 40 फीट। ये वाले कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर ग्रिड लाइन पे सम कर लेंगे, इन तीनों की सम कर लेंगे। जैसे सपोज कीजिए 15 फीट, 15 फीट और ये आपका 10 फीट, अलग अलग ग्रिड लाइन लिखी होगी आपके यहाँ पे ऊपर। इन तीनों को आपको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने बाद जो भी तीनों का आएगा वो आपका 50 फीट, तो ये वाली लाइन आपको सीधी कर देना है। ठीक है, सीधे करने बाद अब जो ये वाली लाइन है, जो ये ग्रिड लाइन है, आपको इस वाली लाइन पर, ये आपको परपेंडिकुलर, आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर बनाना है। जब ये लाइन बन जाएगी तो तभी आपके पास जो ये वाली लाइन है एक दूसरे के पास, ये भी आपको परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली बनेगी। आपको सबसे पहले आउटर से आउटर ही लाइन परपेंडिकुलर बनाना है, तभी आप बीच वाली लाइन को निकाल पाओगे ऑटोमेटिकली। इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी आपको, ना फिर गुने बनाने की जरूरत होगी। सबसे पहले बस आउटर आउटर लाइन को ही गुने बनाइए, या फिर कोई कॉलम आपका यहाँ पर ही क्यों ना हो, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम ही क्यों ना हो। ठीक है, जितना सबसे पहले आउटर आउटर कॉलम है उसको आपको गुनिया बनाना है, लाइन को बनाना है। ये वाले लाइन इस वाले लाइन से आपने प्लस कर लिया, टोटल ये वाले लाइन आपने खींच दी है। फिर आपका जो एंड पॉइंट है, इसको एंड पॉइंट का मार्क लगा दीजिए। सेम प्रोसीजर वही कीजिए, यहाँ से आपको सपोज कीजिए 5 फीट
सॉरी 4 फिट इधर से आपको मार्क करना है, इस वाले नीचे वाली जो लाइन है इसको तब तक सीधा करना है, ठीक है। इस वाली लाइन पे सबसे पहले पीस को हटाइए, अपना सीमेंट सैंड का मोर्टार लीजिए, नीचे रखिए, इसको करने के साथ यहाँ से धागा पकड़िए, टेप पकड़िए, पकड़ते पकड़े ऐसे करो, लगाते चले जाइए हल्के से बारीक से कील की सहायता से। ये आपका क्या हुआ 4 फीट, यहाँ आपका 4 फीट, यहाँ पर आपका 3 फीट। तो इस वाले पॉइंट से, इस वाले मार्क से, इस वाले मार्क को ऐसे क्रॉस कर दीजिए, तो ये पॉइंट आपको थ्रू सीधा धागा मिलाएंगे, तो आपके पास 5 फीट होना चाहिए। या फिर सेकंड एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, 5 फीट यहाँ पे, 4 फीट हुआ था, 4 फीट यहाँ पे, 3 फीट, तो 5, तो सिंपल यहाँ पे 5 और 3 8, तो सिंपल यहाँ पे रखिए जो ऐसे मेजर टेप ले लीजिए। अगर पास एक ही टेप है, दो टेप आपके पास नहीं है, दो टेप आपके पास नहीं है, तो सिंपल एक ही टेप से ले लीजिए, ऐसे मुड़ जाएगा ये इस तरह से, तो 5 और 3 8, तो 8 मीटर यहाँ पे पकड़िए, 8 मीटर 8 फीट यहाँ पे पकड़िए, और 5 फीट यहाँ कोने पकड़िए, 3 फीट ऑटोमेटिकली ऐसे गूनिया बन जाएगा सीधा ऐसे। यहाँ पे कोई कील गाड़ दीजिए, ऐसे कील गाड़ दीजिए, टेप ऐसे मुड़ के आ जाएगा 5 फीट पे या 3 फीट पे, ऑटोमेटिकली गूनिया हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप ये गूनिया सीधा मेजर कर लीजिए, और जितनी भी ये लाइन होगी, जो भी आपकी ग्रिड लाइन ये और ये लाइन गिवन होगी, तो ये आपको सीधा कर लीजिए। सपोज कीजिए ये आपके पास 10 फीट की है, अभी 10 फीट की, ये आपके पास 20 फीट के आपके पास लाइन आ गई, यहाँ पे कट कर दीजिए, और यहाँ से आपको मेजर कीजिए डायरेक्ट, यहाँ से मेजर कीजिए, यहाँ पे 40 फीट आ गया, इधर से मेजर कीजिए, इन दोनों टेप को ऐसे, इन दोनों टेप को मिलाते हुए 20 फीट और 40 फीट को ऐसे मिलाते हुए इस लाइन को मिला दीजिए। ये बात सबसे पहले आपको जो काम करना होता है ग्रिड लाइन पर लेआउट के टाइम पे, आउटर आउटर लाइन पे आपको मार्क काम करना है। उसके बाद इससे जो डिस्टेंस है, इस वाली लाइन से ये डिस्टेंस मेजर कीजिए, इस वाली लाइन से ये डिस्टेंस मेजर कीजिए, तो ये वाली लाइन आपके पास मिल जाएगी। फिर इस लाइन से ये वाला डिस्टेंस मेजर कीजिए, इस लाइन से ये वाला डिस्टेंस मेजर कीजिए, ये लाइन मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। इस वाली लाइन से ये वाली लाइन मेजर कीजिए, इस वाली लाइन से ये वाला मेजर कीजिए, ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर बन जाती है, ठीक है। तो लेआउट के बारे में मैंने बहुत सी वीडियो सिखाई है, वो जरूर देख लेना, है आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, आपके पास कोई स्टार्टर है, स्टार्टर आपके पास है 600 और 300, 600 बाई 300 फीट का है। स्टार्टर हमेशा जो चेक करते हैं वो इनर फेस से, ये आपका आउटर फेस, ये आपका क्या रहेगा आउटर एंगल रहता है, तो स्टार्टर वही फेस करता है जितना कॉलम आपका साइज होता है। सपोज कि आपका कोई कॉलम है, ये आपका कॉलम है, इसका जो साइज है 300 बाई 600 का है, 300 बाई 600 का कॉलम है इसका, ठीक है। तो ये जो ये कॉलम है, इस कॉलम का जो स्टार्टर हो है वो भी आपके पास इनर से इनर चेक करेंगे, बिकॉज आप कंक्रीट जो फिलअप कर रहे हैं अंदर फिलअप कर रहे हैं, ना कि बाहर। तो इसमें आपको गुनिया चेक करना है सबसे पहले, कि जो ये वाला कॉर्नर है, ये वाला जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर इस वाले कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर चेक कर लीजिए, ये चेक कर लेना, अगर दोनों बराबर आना चाहिए MM में, ऑलवेज चेक करेंगे कहाँ पे MM में, बिकॉज MM होता है आपका बहुत छोटा, MM का छोटा यूनिट होती है MM, तो इसको कॉर्नर, इसको कॉर्नर MM को चेक कर लेना ऑलवेज MM में। इसी तरह आप फर्मा का चेक करना है, आपको फर्मा का इसमें कोई गुने जरूरत बनाने की, ऑटोमेटिक गुने में आ जाना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ बराबर है तो आपका ये स्टार्टर है, ये गुनिया के अंदर है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं डोर फ्रेम, डोर या विंडो फ्रेम। तो डोर या विंडो फ्रेम बनाने के लिए, जैसे आपने डोर है तो सेम प्रोसीजर आपका डोर के अंदर भी रहता है, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, इस कॉर्नर से इसका कॉर्नर, इसमें आप चेक क्या करेंगे आउटर फेस का, बिकॉज जो आपकी जो विंडो है वो आउटर फेस से होती है, आउटर फेस ब्रिक मेजरी के अंदर फिक्स होती है, ठीक है। आपकी जो विंडो फिक्स आउट विंडो होती है, तो इसका जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर आप ऑलवेज चेक करेंगे। या फिर ये भी नहीं कर सकते, आपकी विंडो जो कुछ ज़्यादा बड़ी है, मेजरमेंट टेप नहीं चेक कर सकते हैं, तो इस वाले कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर आपको क्या करना है 2 फीट पे मार्क कर दीजिए। इस वाले टॉप से अंदर वाले फेस से लीजिए, फिर आप बाहर वाले फेस से लीजिए। सपोज कीजिए मैंने बाहर वाले फेस से लिया, यहाँ पे आपने इस वाले टेप से मेजर किया, ये भी आपका 2 फीट, सिंपल ये 2 फीट आ गया, 2 फीट ये बाहर वाले फेस से, 2 फीट ये बाहर वाले फेस से, 2 फीट। अब आपको क्या करना है, इस वाले कॉर्नर से जो मार्क किया था ये वाला कॉर्नर चेक कीजिए, इस वाले कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर चेक कीजिए, ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो क्या होगा, ये जो लाइन है ये 2 फीट की है, तो ये वाले 2 फीट ऑटोमेटिकली 2 फीट आ जाएगी, और ये भी आपको ऑटोमेटिक गुनिया बन जाएगा। अगर आप डोर या विंडो फिक्सिंग कर रहे हैं, डोर या विंडो फिक्सिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी ध्यान देना है आपको कि ये गुनिया में है या नहीं है। तो वहाँ पे इसको सबसे पहले ये एक फेस सोल्व करना है प्लम बॉब की सहायता से,
बॉम्ब की सहायता से इसका सोल्व करना है। सोल्व जैसे सोल्व कर देंगे तब आप क्या करेंगे, जो ये टॉप लेवल है ये आपको पता चल जाएगा कि ये लेवल में है या फिर नहीं है, ये लेवल में अप या डाउन है या नहीं है। ये टॉप लेवल किसे पता चलेगा, जब आप इस वाले कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर फिक्स कर देंगे, इस वाले कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर फिक्स कर देंगे 2 फीट या फिर 2 मीटर या फिर 1 मीटर, इस कॉर्नर से ये वाला जो पॉइंट ये चेक कीजिए, इस कॉर्नर से ये चेक करना है। क्लियर? तो दोनों बराबर आना चाहिए, एमएम में करना है या फिर फिट इंच में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।